हेलो। सो आज हम लोग के लिए फर्स्ट तो हम लेंगे पालक। पालक को मैं पहले खोल लेती हूँ। तो सिर्फ बैक पार्ट है ना, ये सिर्फ मैं कट कर लूंगी। और मैंने ये सारा काट लिया है, इसको जस्ट थोड़ा मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी पानी, और ये पानी थोड़ा सा, जैसे तक वो पानी गर्म हो रहा है तब तक हम ले लेंगे यहाँ पे लहसुन की कलियाँ, दो प्याज और दो टमाटर, और सबको मैं बारीक काट लूंगी। तो मैंने प्याज टमाटर और लहसुन को मैंने, पानी भी मेरे इधर गर्म हो गया है, तो मेरे पालक है हमारे पास, मैं इस सारे पालक को इसमें डाल दूंगी। अब हमें वेट करना है कि पालक थोड़े सॉफ्ट हो जाए ताकि हम इसको मिक्सी में चला पाए। अब एक साइड कढ़ाई पे मैंने चढ़ा दिया है एक पेन, और इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया, इसमें डाल देती हूँ जीरा, थोड़ी करी। अब इस तेल में हम डाल देंगे काजू। काजू हल्का सा जब लाल हो जाए ना, लहसुन के साथ साथ प्याज एंड टमाटर। हो गई है फ्राई और ये हो गई है ठंडी। अब हम इसको डालेंगे मिक्सी में। मैंने मिक्सी में ट्रांसफर कर लिया है सारे को। अब चलते हैं हम इसको पीसने। कितनी स्मूथ है ये बैटर। इधर पालक मैंने छान लिया है पानी से, और इसके सारे पानी स्टेन भी हो गए हैं। अब सेम बाउल में हमारे जो पालक बॉयल थे, इस सारे पालक को डाल देंगे और इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। ये भी मस्त पीस के तैयार हो गई है, आप देखो एकदम मस्त है। अभी हो गई है गरम, इसमें डालेंगे हम बटर, और इसमें डालते हैं हम जीरा, इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, जैसे ही हल्का हल्का छिड़क जाए इसमें हम डाल देंगे ये मसाला। इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये हल्का हल्का भूनने लग गया है, इसको भूनते रहना है, नहीं तो आपकी जो इसमें आपने काजू डाला है पूरा पक जाए। इसमें हम डाल देंगे पालक। तो ये पालक का पेस्ट गया इसमें, और ये सारा पालक और पालक का जो बर्तन था उसको मैंने धो के सारा डाल लिया है पानी। तो ये हो गया है पालक का पेस्ट। डाल देंगे हम मसाले, जैसे हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया। अब आप बोलेंगे कि हल्दी क्यों डाले, पालक पनीर में हल्दी नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से मेरे घर में कोई भी सब्जी में बिना हल्दी का नहीं बनाती हूँ, सो इसलिए। ये देख रहे हो कितनी अच्छी बॉइल आ रही है इसमें से, यानी हमारी जो ग्रेवी है पालक पनीर की वो हो गई है तैयार। अब हम लास्ट स्टेप है हमारा कि हम इसमें डालेंगे दूध। मैं मलाई नहीं डालती क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है मलाई की वजह से, तो मैं बस थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। आप देख रहे हो इसका कलर भी चेंज हो गया दूध डालने पर, और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो गया है। हल्का सा स्टर करने के बाद हम जस्ट इसमें ऐड कर देंगे हमारे पनीर के टुकड़े। ऐड कर दिए हैं हमने। अब मैंने सारी चीज ऐड कर दिया है, और एंड में मैं डालूंगी इसमें नमक। सबसे एंड में ही मैं नमक डालती हूँ, और जस्ट को अच्छा से मैंने मिक्स दे दिया। चिकन के ऊपर मैं थोड़ा डाल रही हूँ कसूरी मेथी ताकि ये हल्का गर्म हो जाए। मेथी हो गई है हमारी गरम, पनीर भी हो गया तैयार। अब इसमें बस एंड में हम डालेंगे इलायची पाउडर, और एक कसंडनान। खाओ पियो और खुश रहो। ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, वाओ सो स्मूथ। चलो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।